भाई साहब, बिलावल भुट्टो ने आज बहुत दिन के बाद खामोशी तोड़ी है, मीडिया के सामने आए, 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, एक तरफ पीडीएम है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, ये फ्रेंडली मैच है या वाकई ये आपस में एक मुखासमत बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े दिनों के बाद मुझे याद किया। बहरहाल जी, ये फ्रेंडली मैच बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा T20 है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि 16 महीने की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसके हर बुरे काम में, हर अच्छे काम में और हर मिक्स काम में पीपल्स पार्टी पूरी हिस्सेदार रही है, बराबर के हिस्सेदार। हाँ, ये बाहर निकल के ये कहना कि जी हमने ये कुछ नहीं किया और फलां ने ये कुछ किया है, ये बेमानी बात है। सारा कुछ अवाम के सामने है, सब कुछ लोगों ने देखा है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जी केसेस लोगों ने ख़त्म करा लिए हैं, तो एक FIA का केस ज़रूर था जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ था। इस फैक्टर के ऊपर आता हूं, लेकिन ये जो इंतखाबात वाला फैक्टर है, देखिए ये तनकीद जरूर पीपल्स पार्टी पे होती है कि CCI के अंदर उनके अपने चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हुए थे, मुराद अली शाह साहब, एंडोर्समेंट हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बाहर आके नारा लगाना शुरू कर दिया कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इससे आगे जाएंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये लड़ाई हो गई है क्या? मतलब उस वक्त CCI इजलास में तक मामला ठीक चल रहे थे, इत्तेहादी हुकूमत माजी की, यह वापस में इनका शिराजा बिखर गया, इत्तेहाद पारा पारा हो गया। मुझे ना हमेशा आपसे ये डर लगता है कि आप वो कुछ गुलवा लेते हैं जो आदमी नहीं कहने का फैसला करके आया होता है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, देखिए पता चले कि क्या है जो आपने नहीं कहने का फैसला किया। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ये फील है या उनको ये यानी मज़ाहर नज़र आ रहे हैं कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त टिल्टेड है टुवर्ड्स नून लीग। ऐसा है, अब इससे बड़ी मैं कह रहा हूँ ना कि इससे बड़ी बात मैं शायद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा क्यों है उसकी भी वजूहात है। ऐसा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो पीपल्स पार्टी महसूस कर रही है वही आप भी महसूस कर रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी के इस एहसास की तर्जमानी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कहता हूँ कि उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि उनको मैंने नहीं कहा कि 100% ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात बहरहाल 100% ठीक है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें इन्होंने मक्खन में से बाल की तरह निकाल के एक तरफ कर दिया है और अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है टिल्टेड है टुवर्ड्स नून लीग, यही उनकी बिटरनेस की बुनियाद। तो आज जो बात बिलावल साहब ने की कटपुतली के हवाले से, कटपुतलियों को इशारा उन्हीं की तरफ है, ये इशारा उन्हीं की तरफ है, उनको ये लग रहा है कि कहीं फैसला हो गया है और गारंटी दे दी गई है PMLN को कि अगली हुकूमत आपकी होगी, ये कह रहे हैं आप? ये उनका ख्याल है, ऐसा होने जा रहा है ये मैंने नहीं कहा, इसलिए कि बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो फीलिंग बिलावल साहब की, एक खासी हद तक फीलिंग तो आपकी भी यही है। हाँ नहीं, मेरी है, लेकिन ये कि इसका नतीजा ये 100% नहीं है कि सिर्फ नून लीग ही इससे इस्तेफादा हासिल करेगी। अच्छा। और भी तो प्लेयर्स हैं ना, और भी तो स्टेक होल्डर हैं ना, ये दो जमातें जो PTI को तोड़ने के बाद बनी है ये कहाँ जाएंगी? GD और MQM के जो इतिहाद बन रहा है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो कहाँ जाएगा? तो ये सारी कोशिशें पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रही, उनको भी लग रहा है कि ये उनके खिलाफ हो रही हैं और बाजार में। देखिए गुजारिश ये है कि एक तो ये कि PDM की पार्टियां समझती हैं कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें बिट्रे किया है, ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूं, जिन भी लोगों से आप बात करें वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनको स्टैब किया है। वो कैसे? वो एक तो मौलाना का ख्याल है ना कि जी हम तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खायल नहीं थे। ये तो पुरानी बात है ना, ये तो यही बात उन्होंने कल PDM की तश्कील और फिर टूटना और फिर दोबारा असर नौ तश्कील होना, उसके किस्से हैं, ठीक, उसको छोड़ दीजिए एक तरफ। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त नून लीग भी ये कुछ इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रही है कि अगला जो फेज़ आ रहा है वो हमारा है। देखिए ना, नवाज शरीफ के वापस आने की बातें हो रही हैं, वो जो 5 के टोले के खिलाफ एक कैंपेन चलनी थी जिसको उन्होंने कहा था कि जारहाना स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे, उसकी बात सुनी आपने अभी कोई लेटेस्ट? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, आज नहीं तो आज वही तो वही मैं कह रहा हूं आज ना? तो एक डिसीजन आया ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर, करेक्ट, वो उसमें मरियम बीबी ने एक ट्वीट भी की है, करेक्ट, वो अलग है, लेकिन मैं जिस तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें इन्होंने गेम में से बाहर निकाल दिया है और ये करीब हो गए हैं उनके, जिसकी वजह से कुंडी साहब से शुरू होके और फिर लालिका साहब और लालिका साहब से शुरू होके फिर खुर्शीद शाह और खुर्शीद शाह के बाद अल्टीमेटली खुद बिलावल भुट्टो साहब बोल पड़े। तो ये उनकी फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट जिसको कहते हैं ना, ये वो है जिसका ये नतीजा है, जिसकी वजह से ये बिटरनेस इतनी बढ़ती जा रही है। मेरा ख्याल ये है कि जो ही इलेक्शन कैंपेन का वक्त आएगा ये बिटरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए कि पंजाब में जिस स्पेस की उन्हें तवक्को थी वो उन्हें अब दो वजह से नहीं मिल रही है। एक तो ये कि नून लीग ने उनको वो
सो कॉल्ड सीटें कहा था ना उन्होंने कि 5 सीटों के ऊपर आप कैंडिडेट खड़ा ना करें और साउथ पंजाब में हमें थोड़ी स्पेस और दें, वो कहानी अब हो गई है ख़त्म। उन्होंने कहा कि हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ेंगे, और कल का बयान अगर आपको याद हो उनका, सिंध में भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में लड़ाई अब जंग की शक्ल इख्तियार कर रही है। तो जून जो इलेक्शन कैंपेन करीब आएगी या इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ होगा, आप देखेंगे बिटरनेस और ज़्यादा नई हाइट्स को छुएगी। वो खाई साहब, ये जो बिटरनेस है ये सिर्फ इलेक्शंस के लिए है, कोई इलेक्टोरल नैरेटिव बनाने के लिए, या आपको लगता है वाकई हकीकत है? मेरे ख्याल से दोनों का, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसलिए कि ये याद रखें आप कि इन्होंने हमेशा ये कहा कि ये इंतखाबी इतिहाद नहीं है पीडीएम का, लिहाजा हम इलेक्शन तो अपना अपना लड़ेंगे। और ट्रेडिशनली यही दो बड़ी पार्टियाँ हैं जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन में, तो इसलिए इनका कंबाइंड इलेक्शन लड़ने का तो मेरे ख्याल से कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ना खुद इन्होंने सोचा था। इसलिए चूंकि इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन लड़ना है इलेक्शन कैंपेन के बलबूते पर, तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी अब से, अच्छा भाई साहब, अगर इस आर्गुमेंट को बाय कर लेते हैं कि इस वक्त जो पावर्स दैट बी हैं वो अपने एतमाद का वोट पीएमएलएन की झोली में डाले हुए हैं, तो फिर मियां साहब के वापस आने में क्या रुकावट हायल है? क्यों नहीं आ जाते? क्या आ रहे हैं? अभी तक उनके रास्ते में सिर्फ 16 सितंबर हायल है। 16 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि बड़ी स्विफ्ट इसके ऊपर जो है, तो 15 अक्टूबर की तारीख यकीनी है आपके? वो तो मेरे ख्याल से कोई बईद नहीं है कि उससे पहले आ जाएं। अगर उनको हिफाजती जमानत दे देते हैं आप और कोर्ट में अपीयर करने के बाद केस के फैसले का यकीन दहानी करा देते हैं तो वो आ जाएंगे। तो फिर आप देख रहे हैं कि वाकई अगले बरस फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। फरवरी में इलेक्शन होने की अब दो वजूहत है, एक तो ये कि तमाम, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तमाम पार्टियाँ जो पीडीएम की पार्टियाँ वो भी मुतालबा कर रही है ना कि 90 दिन में करें। मुझे तो हैरत हुई, नून लीग भी कह रही है कि 90 दिन में करें। नहीं, नून लीग तो कह रही है अगले साल फरवरी में। करेक्ट, मतलब है वो जो मार्च का मई का जो आपको याद होगा जो कमर दिलशाद ने जो इशारे किए थे, जी जी जी, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक महीने एडवांस करना जो है हल्का बंदियों का मामला, उससे ये तय हो गया है कि इलेक्शन हो रहे हैं और फरवरी से पहले पहले हो रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी तो मईशत है, फिर इंकलाब है, फिर इंतखाब है। मेरे ख्याल से इसको आपको उलट करना पड़ेगा। इकॉनमी संभलने के इशारे मिलने शुरू हो गए हैं आपको, डॉलर देख लीजिए कितनी स्विफ्टली वापस जा रहा है। चीनी की जो स्मगलिंग का स्कैंडल 200 पे अभी भी नहीं आया। आ जाए 200 पे तो इतनी जल्दी नहीं आएगा ना, 343 से 270 पे आ जाए सर। मेरे ख्याल से ये इसी रफ्तार से कम होता रहेगा और आपको बहुत सारी हैरानियां मिलेंगी। लेकिन वो 25 अरब डॉलर जो 3 से 5 साल में आना है, वो तो 3 से 5 साल में आएगा। साल हमने आप, वो अगले साल फरवरी तक तो नहीं आएगा। नहीं, मेरे ख्याल से सालों का जिक्र नहीं है उसमें, सिर्फ ये है कि सऊदी अरब और यूएई ओवरनाइट तो नहीं आएगा ना सर। जाहिर है ओवरनाइट तो सरमायाकारी हो भी नहीं सकती। हाँ। लेकिन ये इशारे ऐसे हैं कि ये इकोनॉमी की सूरत हाल अगर संभालना चाहें हम तो संभाल लेंगे। और एक बात मैं आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जिन्होंने इकॉनमी और डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन करनी शुरू की है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में भी इसी तरह जारी रहेगी।